हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था गैस्ट्रोपोडा के बारे में, हमने जस्ट स्टार्टिंग पढ़ा था बेसिक, अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आप अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमने वहाँ पे अभी पढ़ा था स्पायर एंगल के, एपेक्स के बारे में, सूचर लाइन के बारे में, वर्ल के बारे में, अपर्चर के बारे में, ये सब चीजें हमने वहाँ पे पढ़ के रखी थी। हम लोग आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें एक और चीज वहां पे मुझे बतानी रह गई थी कि अगर आप यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ऐसे पैरेलल इसके एडजेसेंट से लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में एक एंगल बनता है। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पायरल एंगल। ये स्पायरल एंगल बेसिकली है क्या कि और क्यों बनता है तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली क्यों है और क्यों बनता है। सो जो हमने यहाँ पे दो टेंजेंट्स बनाए हैं इधर यहाँ पे, ये सस्पेंड होकर यहाँ पे बीच में स्पायरल एंगल बनाते हैं। अब ये स्पायरल एंगल बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ कॉइलिंग पे और क्रॉस सेक्शन उसका शेल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करते हैं। इसके कारण जो आपका स्पायरल एंगल है ये स्पायरल एंगल आपका वेरी करते रहता है। कैसे वेरी करता है, कभी कभी आपका स्पायरल एंगल ऐसे अक्यूट हो सकता है, कभी कभी आपका स्पायरल एंगल ऑप्ट्यूज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक्यूट और ऑप्ट्यूज का अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपको एक्यूट के लिए मिलेगा ट्यूरिटेला। तो जिस गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपको एक्यूट एंगल का स्पायर मिलता है वो होता है आपका ट्यूरिटेला, पर जिसके अंदर आपको स्पायर आपका ऑप्ट्यूज एंगल में मिलेगा उसका एग्जाम्पल है आपका टर्बो, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे इसके जो एक्चुअल फोटोज अगर आप गूगल पे देखोगे तो गूगल पे आपको कैसे देखने को मिलेंगे, हम गूगल पे उसकी फोटोज देखते हैं। ओके सो आप अभी गूगल पे जो फोटोज देख पा रहे हैं, यहाँ पे गूगल पे आप गैस्ट्रोपोडा टाइप करोगे आपको फोटोज दिखेंगे। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे जैसे फोटो में देखोगे यहाँ पे ऑप्टिव एंगल एक्यूट एंगल अगर स्पायर का आप देखना चाहोगे, अगर यहाँ पे आप इसके टेंजेंट्स अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम में ऐसे दो, तो यहाँ पे जो एंगल सबस्टेंडेड आपको दिखेगा ऊपर जो बनेगा ये इमेजिनरी लाइन है। बेसिकली ये जो दो हमने बनाई ये इमेजिनरी लाइन है और एक इमेजिनरी एंगल ड्रॉ करते हैं ये ऊपर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कौन सा देखने को मिलेगा, एक्यूट एंगल देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ ये यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे इधर ये ऐसा इसके अगर टेंजेंट अगर ये भी नहीं, तो अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे टर्बो का एग्जाम्पल लगे, यहाँ पे अगर टर्बो का डायग्राम होगा कहीं तो मैं आपको टर्बो के डायग्राम में दिखाता हूँ। ओके अगर ये टर्बो का डायग्राम है, अगर इस आप टर्बो के डायग्राम में देखोगे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करोगे यहाँ पे टेंजेंट्स, तो आपको यहाँ पे जो एंगल देखने को मिलेगा बेसिकली ये एंगल आपको बहुत केस में आपको ऑप्ट्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्यूट एंगल ऑप्ट्यूज एंगल ये क्या होते हैं, ये गैस्ट्रोपोडा में कैसे दिखते ये आपने देखा है। ओके सो इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ेंगे और इसके बारे में अभी थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ते जाएंगे। तो इसमें आपको एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसके हम बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो है आपका अपर्चर। तो बेसिकली अपर्चर होता क्या है कि एक आपको शेल के अंदर एक ओपनिंग देखने को मिलती है, तो जो ओपनिंग रहती है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और उसका अपर्चर का जो शेप होता है वो शेप आपको कभी कभी सर्कुलर देखने को मिलेगा, कभी कभी ओवल देखने को मिलता है, कभी इलांगेटेड देखने को मिलेगा, कभी ऑब्लॉन्ग देखने को मिलेगा, क्या कभी सिल्ट लाइक आपको देखने को मिलेगा। तो वेरियस फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे उसके उसके शेप जो है अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। और अपर्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अपर्चर के अंदर बेसिकली दो वो रहते हैं, जैसे दो मार्जिन रहते हैं। तो जो सबसे इसकी जो मार्जिन रहती है बाहर वाली, इस मार्जिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मार्जिन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोम। ओके इस मार्जिन को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टोम। सो अभी इसके अंदर पेरिस्टोम के भी कैसा होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। ओके जैसे एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर अगर आप वो देखोगे तो सर्कल के अंदर आपको दो लेयर देखने को मिली, ये एक इनर लेयर ये एक आउटर लेयर, वैसे ही होता है यहाँ पे और ये बीच में ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे भी आपको दो लेयर देखने को मिलती है। तो सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट पार्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं लैब्रम, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग लैब्रम। और जो इनर मोस्ट पार्ट रहता है, इनर मोस्ट पार्ट ये वाला इनर मोस्ट पार्ट, इसको इसको हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग कॉलमनार लिप। ओके तो जो
दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आउटर मोस्ट पार्ट हो गया उसको हम लोग बोलेंगे लेब्रम, जो इनर मोस्ट मार्जिन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनार लिप्स, ठीक है। और क्या होता है कभी कभी जो पेरिस्टोम होता है, पेरिस्टोम कभी कभी उसके अंदर आपको नॉच देखने को मिलेगा यहाँ पे, या कभी कभी उसमें नॉच नहीं देखने को मिलेगा। ये एक चीज बहुत इसमें कॉमन होती है। एक और चीज यहाँ पे ये मैं बता रहा था कि कोई कोई गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको जो पेरिस्टोम है वो आपको पूरा देखने को मिलेगा, ऐसे आधा अगर ऐसे नहीं देखने, किसी किसी में आपको पूरा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पेरिस्टोम जहाँ पे आपको एंटायर पेरिस्टोम देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग होलोस्टोमेटस, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम लिख देता। बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जिसके अंदर आपको पूरा अपर्चर देखने को मिलता है एंटायर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोस्टोमेटस। अगर होलोस्टोमेटस का आप एक बेस्ट एग्जांपल देखना चाहोगे तो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका नाटिका। नाटिका ये गैस्ट्रोपोड है, ये एग्जांपल्स आप नोट करके रखिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको पूरा अपर्चर देखने को मिलता है एंटायर हेलो, बोलते हैं हम लोग आपका नाटिका। अभी क्या होता है कोई कोई गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ना एंटीरियर साइड पे आपको नॉच देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये नॉच क्या काम करता है, नॉच के अंदर आपको एंटीरियर साइड में जो इनकरेंट साइफोन है, साइफोन बोले तो बेसिकली जो एनिमल होता है ना सॉफ्ट पार्ट एनिमल का, वहां से ये अंदर जाते थे बाहर आते थे, ठीक है। तो आपको ये नॉच देखने को मिलता था और उस नॉच को हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे, एंटीरियर कैनल बोलते थे उसको। तो आपको कोई कोई इसके अंदर एंटीरियर कैनल जो है, ये कैनल कैनल कोई कोई इसमें, जैसे ये एंटीरियर साइड हो गया आपका और ये पोस्टीरियर साइड हो गया, तो बहुत केस में आपको ये एंटीरियर साइड में देखने को मिलता था नॉच, बट कोई कोई केस में आपको एंटीरियर से लेके पूरे पोस्टीरियर तक आपको ये नॉच देखने को मिलता था, एंटीरियर कैनल आपको देखने को मिलता था, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता था मैंने अभी बताया, क्योंकि इसको इनकरेंट और एक्सकरेंट, इसको साइफोन को एकोमोडेट करने के लिए बेसिकली ये नॉच हुआ करता था यहाँ पे। तो अगर आप, मैं इसको एग्जांपल अगर बताऊं तो एंटीरियर साइड पे आपको जिस जो एंटीरियर साइड पे जिसका आपको कैनाल देखने को मिलेगा उसका एग्जांपल आप बताओ तो उसका एग्जांपल होगा आपका फ्यूकस। तो ये फ्यूकस उसका एग्जांपल है जो एंटीरियर कैनाल, आपको एंटीरियर साइड पे कैनाल देखने को मिलता है, बट मैंने जैसे बताया था कोई कैनाल पूरा आपका एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड तक एक्सटेंड होता था। तो उस टाइप का एग्जाम्पल आपको अगर बताओ तो उसका एग्जाम्पल होगा आपका सिप्रिया। सिप्रिया आप बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि आप घर में एक गेम होता था जो लूडो जैसा यूज करते थे हम लोग उसको, उसको हम लोग वो जो चीज यूज होती थी उसको हम लोग बोलते सिप्रिया। सिप्रिया इज बेसिकली कवड़ी, अगर आपने कभी खेला होगा तो उसका एग्जाम्पल होता है सिप्रिया, ठीक है। अभी आप जो एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको नाटिका का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो नाटिका का यहाँ पे देखो कि ये जो अपर्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये इस टाइप के अपर्चर को हम लोग बोलते हैं होलोस्टोमेटस, ओके। तो इसको हम लोग बेसिकली होलोस्टोमेटस बोलते हैं। आप गूगल पे इसकी फोटो सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे दूसरा जो मैंने बताया था फ्यूकस का एग्जाम्पल, तो फ्यूसस का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताना चाहता था कि एंटीरियर साइड पे, ये जो एंटीरियर साइड हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंटीरियर साइड जो हो गया यहाँ पे, ये साइड पे जब आपका अपर्चर रहता है, ठीक है, ये वाला, ये एंटीरियर साइड का अपर्चर है आपका। तो ये बेसिकली फ्यूकस का इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको एंटीरियर साइड में देखने को मिलेगा, ओके। बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल है सिप्रिया का। सिप्रिया का एग्जाम्पल आप देखोगे कि एक एंटीरियर साइड से इसका अपर्चर चालू होता है और पूरा पोस्टीरियर साइड तक जाता है, ये आपने खेले भी होंगे बचपन में इसके साथ। तो इस ये होता है आपका एंटीरियर से चालू होते हुए पूरा पोस्टीरियर तक जाता है सिप्रिया, ये एग्जाम्पल हो गया बेस्ट उसका अपर्चर का, नाला ओके। एक और चीज आपको बतानी रहेगी कि जब आपका कैनल जो रहता है वो पेरिस्टोम के अंदर प्रेजेंट रहता है ना, तो उस गैस्ट्रोपोड को हम लोग बोलते हैं सिफेलोस्टोमेटस, ठीक है। तो सिफेलोस्टोमेटस उसको बोलते हैं जो पेरिस्टोम के अंदर जिसका कैनल प्रेजेंट रहता है।
ओके okay, सो हमने अभी जैसे देखा आउटर लिप्स के बारे में पढ़ा है, सब इनर लिप्स के बारे में पढ़ा है मैंने यहाँ पे। तो अगर अभी मैं बताऊँ, अगर आउटर लिप्स के बारे में देखेंगे, तो आउटर लिप्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो आउटर लिप्स कभी कभी थिक होते हैं, शार्प होते हैं, और क्या होता है कि आउटर लिप्स जो होते हैं ना, वो आउटर लिप्स कभी कभी ऐसे कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड कहाँ पे कर्व्ड होते हैं? कभी कभी आउटवर्ड्स कर्व्ड होते हैं, या तो कभी कभी इनवर्ड्स वो कर्व्ड होते हैं। और क्या रहती है, उनकी जो आउटर लिप्स की जो मार्जिन होती है, ये जो मार्जिन है ना यहाँ पे, ये वाली, इस मार्जिन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिकली आउटर लिप रहता है। तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन आपको कभी कभी क्या होगी कि आपको क्रेनुलेटेड मिलेगी। क्रेनुलेटेड बोले तो ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप की आपको आउटर मार्जिन मिलेगी, इसको बोलते हैं क्रेनुलेटेड। और कभी कभी आपको इवन मिलेगी, बहुत इवन, एकदम स्मूथ, ठीक है। तो ये होता है आपके आउटर मार्जिन। कभी कभी आउटर मार्जिन के ऊपर क्या होता है, आपको स्पाइंस देखने को मिलते हैं, ऐसे स्पाइंस, या तो कभी कभी आपको उसके ऊपर विंग्स देखने को मिलते हैं इन सम जेनेरा ऑफ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, जो इनर इनर जो मार्जिन है ना, वो इनर मार्जिन क्या करती है, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, और उस सिक्रीशन बेसिकली ऐसे हार्ड मटेरियल सिक्रीट करती है वो। और वो हार्ड मटेरियल क्या रहता है आपका, बेसिकली वो रहता है आपका कैलस, ठीक है। तो ये आपका एक हार्ड मटेरियल सिक्रीट करता है इनर लिप्स। ओके एक और चीज हम लोग देखेंगे कि कोई कोई जेनरा हो गया, जैसे आपका टर्बो हो गया, तो टर्बो के अंदर क्या होता है कि जो एपर्चर होता है, ये एपर्चर के ऊपर एक लिड जैसा लगा होता है। लिड बोले तो जैसे ढक्कन टाइप का, कि एक ढक्कन नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, बेसिकली बोलेंगे एक हॉर्नी या कैल्केरियस प्लेट लगी रहती है। उस कैल्केरियस प्लेट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आपका ऑपरक्यूलम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? ऑपरक्यूलम। तो ऑपरक्यूलम बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक एनिमल है यहाँ पे, तो ये एनिमल अंदर अंदर ऑपर इसके अपर्चर के अंदर चले जाता है, यहाँ से समझ लो एनिमल अंदर चला गया। तो अपरक्यूलम क्या करता है, पहले खुलता है, ऐसे ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, बेसिकली उसका काम एक लिड जैसा है यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करने का। तो एनिमल जैसे अंदर जाता है तो पहले बाहर खुलता है, वो ओपन होता है, और उसके बाद जैसे एनिमल अंदर चला गया, उसके बाद अपरक्यूलम क्या होता है, वो बंद हो जाता है। तो अपरक्यूलम बेसिकली क्या है, इट इज अ लिड, ठीक है, जो अपर्चर के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ होता है यहाँ। और जो अपरक्यूलम है वो वेरिएबल होता है आपको, ठीक है। ये चीज थी आपकी ऑपरक्यूलम के बारे में। आपको एक और चीज अभी गैस्ट्रोपोड में देखनी पड़ेगी, तो ये एक और चीज होती है आपकी कॉइलिंग के बारे में। तो बेसिकली जो गैस्ट्रोपोड है, मैंने बताया था वैसे कॉइल होता है, तो कॉइलिंग बेसिकली इसमें दो टाइप की मिलती है। आपने पढ़ा होगा डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल, ये चीज आपने पहले सुनी होगी। बट इस केस में आपका डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल क्या होता है कि जैसे आप शेल को पकड़ते हो यहाँ पे गैस्ट्रोपोड को, अगर उसका अपर्चर आपके राइट साइड में आता है, यहाँ पे अपर्चर उसका राइट साइड में आ रहा है, ठीक है, तो राइट साइड में अगर अपर्चर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी टाइप की कॉइलिंग, कि उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रल टाइप की कॉइलिंग। यानी ये ऐसे कॉइल होते हुए आए और इसका अपर्चर राइट में आया यहाँ पे। बट किसी किसी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग होती है, और आपका जो अपर्चर है ये आता है आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनिस्ट्रल। जो लेफ्ट साइड में आपका अपर्चर दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनिस्ट्रल। अगर सिनिस्ट्रल का आप एग्जाम्पल देखोगे, तो उसका एग्जाम्पल है फाइसा, PHYSA, फाइसा, ये एग्जाम्पल है सिनिस्ट्रल कॉइलिंग का। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, तो डेक्स्ट्रल एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कोनस, ओके, कोनस, ये एग्जाम्पल है आपका डेक्स्ट्रल कॉइलिंग का, ठीक है। कि जो डेक्स्ट्रल टाइप की कॉइलिंग है, डेक्स्ट्रल टाइप की कॉइलिंग क्या होती है, ये मोस्ट कॉमन टाइप की कॉइलिंग होती है, आपको बहुत इसमें आपको डेक्स्ट्रल कॉइलिंग देखने को मिलेगी। बट जो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है, ये सिनिस्ट्रल कॉइलिंग काफी रेयर होती है, ठीक है, तो ये आपको रेयरली देखने को मिलता है। फाइसा अगर आप देखोगे तो वो आपको बहुत रेयरली उस देखने को मिलेगा कि आपको कहीं पे सिनिस्ट्रल कॉइलिंग मिल रहा है। अगर आप गूगल पे इसका एग्जाम्पल भी देखोगे, तो हम गूगल पे भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप यहाँ पे फाइसा ये देखिए, ये आप फाइसा देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो फाइसा है बेसिकली, अगर आप इसको होल्ड करेंगे ऐसे, तो आपको दिख रहा है कि इसकी जो इसका जो अपर्चर है वो कौन से साइड में आया है, आपका लेफ्ट साइड में आया है। तो इसको हम लोग कौन से टाइप की कॉइलिंग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिनिस्टर टाइप की कॉइलिंग, ओके। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कोनस का,
ठीक है, तो कोनस में आपको क्या मिलेगा, अपोजिट देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए तो ये कोनस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोनस में देखिए अपर्चर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका राइट साइड में। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपको बहुत सारे गैस्ट्रोपोड देखेंगे आप, तो उसमें आपको जो अपर्चर है वो राइट साइड में दिखेगा। तो इस टाइप के कॉइलिंग, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट साइड में आए तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रल। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल टाइप में। इसका एग्जाम्पल आप नोट करके रखिएगा। ओके, अगर आप अंदर शेल के अंदर देखोगे कि क्या होता है कि बेसिकली जो इनर पार्ट्स होते हैं ना वर्ल्ड के, ये जो वर्ल्ड हो गया मैंने बताया था वर्ल्ड क्या होता है, तो वर्ल्ड के जो इनर पार्ट होते हैं वो इनर पार्ट समझ लो, ये अंदर का व्यू हो, तो इनर पार्ट क्या करते हैं, वो ज्वाइन होते हैं, ऐसे ज्वाइन होते हैं। और ज्वाइन होते हैं कहाँ से, ये अगर उसका एपेक्स हो गया, ये शेल का और इसका एपेक्स हो गया और ये उसका बेस हो गया, समझ लो ये बेस है यहाँ पे, क्योंकि अपर्चर है, अंदर का व्यू देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, अंदर के वर्ल्ड एकदम ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे और एक एक्सियल स्ट्रक्चर बना रहे। ये देखो ये एक एक्सियल स्ट्रक्चर बना रहे। ये एक्सियल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जो आपका एपेक्स हो गया और एपेक्स से लेके बेस तक, ये बेस तक, यहाँ से एपेक्स से लेके बेस तक पूरा एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कॉलम्युनेला। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम्युनेला। ये अंदर अंदर साइड का हम लोग देख रहे हैं। तो और एक और चीज होती है यहाँ पे कि जो अंदर के इन इन केस क्या 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 होता है कि कभी कभी ये फ्यूज हो नहीं पाते हैं, अंदर के जो पार्ट्स है वो फ्यूज नहीं होता, फ्यूज नहीं हो पाते और एक ऐसे ट्यूब बनाते हैं ऐसा ट्यूब, और ये ट्यूब क्या होता है एक्सटेंड करता है। अभी देखो ये टर्बो है ना, तो टर्बो का हम लोग एक बेस बेसल व्यू देखते हैं, नीचे के साइड से व्यू देख रहे हैं। तो आपको ना नीचे के साइड में बेस में आपको क्या मिलेगा, एक ओपनिंग मिलेगी छोटी सी यहाँ पे बीच में, तो ओपनिंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ द शेल हमको मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली अम्बिलिकस। ठीक है, तो ये आपको टर्बो अगर आप देखोगे तो टर्बो के अंदर आपको नीचे के साइड में एक छोटा सा ओपनिंग देखने को मिलेगा, ये हॉलो ओपनिंग रहता है बेसिकली, ऐसे नीचे से पूरा हॉलो रहता है अंदर तक, ऐसे पूरा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकस। ओके, तो अम्बिलिकस क्या होता है, किसी किसी कोई कोई शेल के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जिसके अंदर अगर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, जिसमें रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अम्बिलिकेट, और जिस शेल के अंदर वो नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अनअम्बिलिक, नॉन अम्बिलिकेट बोलेंगे, जिसके अंदर अम्बिलिकस प्रेजेंट रहेगा और जिसके अंदर अम्बिलिकस एब्सेंट रहेगा। ओके, सो जैसे आप गूगल पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ फोटोज देखने को मिलेगी, तो आप इधर देख पा रहे हो कि ये टर्बो है, और टर्बो का जो नीचे का साइड है, जो बेसल व्यू है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, ये है आपका अम्बिलिकेट, अम्बिलिकेट। ठीक है, ये है आपका अम्बिलिकेट, और यहाँ पे अगर दूसरी भी फोटो देखो तो यहाँ पे भी आपको अम्बिलिकेट, ये भी शेल जो है वो क्या है, अम्बिलिकेट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अम्बिलिकस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये व्यू बेसल व्यू, आपको ये इमेजिन करना है। ठीक है, सो इस टाइप में आपको देखने को मिलता है।